वही बेटा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर देख रहे थे, उसे देखते हैं। अभी तक कुछ एक सवाल और करते हैं, है ना। चलिए, हम शायद ये देख रहे थे कि अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला है I इंटू डीएल क्रॉस बी। और अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुई तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला आ गया एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू एल क्रॉस बी। एल वेक्टर आप समझ गए बेटा कहां से कहां तक है, सबसे इनिशियल पॉइंट से सबसे फाइनल पॉइंट तक। तार का जो सबसे इनिशियल पॉइंट है उससे फाइनल पॉइंट जोड़ दो, तब तो दोनों ही फॉर्मूले अपनी जगह अच्छे हैं। लेकिन सेकेंड फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब है जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, जो कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई बड़ा, फिर तो हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगा सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज एक छोटा सा सवाल करते हैं, हालांकि बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है, लेकिन इसके जैसा सवाल इस साल IIT एडवांस के अंदर पूछा गया है तो देख लेते हैं। हालांकि बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, हर जगह मिल जाता है, हर बुक में मिल जाता है। सुनिएगा सवाल कैसा है, सुनिएगा। आपके पास बेटा ये एक कंडक्टिंग कंटेनर है, इस कंडक्टिंग कंटेनर के अंदर मरकरी पड़ी है, एंड एज यू नो दैट कि रूम टेम्परेचर पर मरकरी भले ही लिक्विड हो लेकिन वो भी कंडक्टिंग ही होती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास ये दूसरा कंटेनर है, ये कंटेनर भी कंडक्टिंग ही है, ये भी कंडक्टिंग ही है, और इसके अंदर भी इस तरह से मरकरी पड़ी है। दोनों के दोनों जो कंटेनर है वो कंडक्टिंग है। इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोगों ने ऐसे एक बैटरी से जोड़ रखा है स्विच के थ्रू। ठीक है, ये स्विच है। जो कंटेनर्स हैं मैं पहले ही बोल दूं, वो दोनों के दोनों कंडक्टिंग हैं। वो कंडक्टिंग है, ठीक है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, अंदर की तरफ बी यूनिफॉर्म, ठीक है। और ऐसे एक तार है बेटा जो इस तरह से पड़ा है, इस तरह से इस मरकरी के अंदर डिप्ड है, कंडक्टिंग वायर है। इस तार का मास m है, लेंथ l है, और ये आपका एक कंडक्टिंग वायर है। मास m है, लेंथ l है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी है, अंदर की तरफ यूनिफॉर्म। अब पहले सुनो कि हुआ क्या। हमने क्या किया कि इस स्विच को ऑन किया, जैसे स्विच को ऑन किया यहां से करंट गया। अब ये तो कंडक्टिंग कंटेनर है, ऑफ कोर्स करंट अंदर एंटर कर जाएगा, अंदर लिक्विड है लेकिन वो भी कंडक्टिंग है तो करंट और अंदर आ जाएगा। यहां पर कंडक्टिंग वायर है, ऑफ कोर्स करंट यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा। मरकरी अगेन कंडक्टिंग है तो ऑफ कोर्स करंट यूं आएगा यूं आएगा यूं आएगा यूं आएगा, पूरा करंट सर्किट के अंदर इस तरह से फ्लो कर जाएगा। लेकिन जैसे ही करंट यूं फ्लो करेगा, जैसे ही करंट यूं फ्लो करेगा, हम जानते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो एल वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे, एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये वाला वायर ऊपर आएगा। जैसे ये वाला वायर ऊपर आएगा, ये वायर जो पहले इस मरकरी के अंदर डूबा हुआ था, ये वायर तो बाहर आ गए। जैसे वायर बाहर आ गए, हमारा सारा का सारा सर्किट तो एक ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट मतलब सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, और अगर सर्किट कंप्लीट नहीं है तो आपका अचानक से जो करंट है वो जीरो हो जाएगा। कब करंट जीरो हो जाएगा, जब ये तार जो है इस मरकरी से बाहर आ जाएगा, और वैसे आपका करंट जीरो हो जाएगा। और करंट जीरो होते ही इस तार पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो खड़ाक से जीरो हो जाएगा, खड़ाक से जीरो हो जाएगा। लेकिन
तब तक उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण, तब तक उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण इसके पास ऊपर की तरफ एक वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी आ जाएगी ऊपर की तरफ, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर होगी mg नीचे होगा, बेटा तार की लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं तार की जाकर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, फिर वहाँ से तार वापस नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, फिर से तार जो होगा वापस से मरकरी के अंदर डूब जाएगा, जैसे मरकरी में डूबेगा फिर से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे सर्किट कंप्लीट होगा फिर से करंट आएगा, जैसे करंट आएगा इस करंट पर, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ तार वापस से ऊपर जाएगा, जैसे वापस से ऊपर जाएगा फिर से ये जो मरकरी है इससे कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज होते ही फिर से सर्किट में करंट जाना बंद, जैसे सर्किट में करंट जाना बंद वैसे ही ऊपर की तरफ लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी लगना बंद, जैसे ही वो फोर्स लगना बंद सिर्फ mg लग रहा है, और फिर से बेटा इस करंट, इस तार की वेलोसिटी घटेगी घटेगी, ऊपर जाकर इसकी वेलोसिटी वापस से कर जाएगी जीरो, फिर वापस से लगातार नीचे आएगा। अब यहाँ पर सवाल में हमें दो चार बातें दी हुई हैं, एक ये कि जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया वैसे ही बैटरी ने कुल मिलाकर एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट के अंदर क्यू चार्ज भेज दिया है, और उस क्यू चार्ज भेजने के कारण इस तार पर एक इम्पल्सिव फोर्स लगा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इम्पल्सिव फोर्स लगा है, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इस पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, और ये जो तार है ये इस मरकरी से कॉन्टैक्ट लूज कर देगा और तार ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, mg लगेगा नीचे की तरफ जो लगातार तार की वेलोसिटी को घटाएगा। ये सब सवाल के अंदर गिवन है कि चार्ज क्यों प्रोवाइड किया है बैटरी ने। तो सवाल लिखे बेटा, व्हेन switches on, comma, charge provided by battery is Q, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज इंपल्सिव एंड इट लिफ्ट्स द वायर, एंड इट लिफ्ट्स द वायर, ये वायर को लिफ्ट करता है, ठीक है। Find velocity of wire when it loses contact with mercury, बड़ा mercury से जैसे contact lose करेगा हमारे इस wire के पास कितनी velocity आएगी। दूसरा सवाल, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द वायर, वायर ने बेटा मैक्सिमम कितनी हाइट अचीव की वो भी निकालो। चलो बच्चों करते हैं, सब करते हैं। जैसे आपने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करते ही करंट आया ऐसे, करंट आया ऐसे, करंट आया ऐसे, करंट है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस कारण से हम मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट फॉर्मूला विल बी आई इंटू एल क्रॉस बी। मैग्नेट्यूड की अगर बात करें तो करंट आई है, इस तार की जो लेंथ है वो आपके पास एल है, मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में यहां से यहां तक बी है, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, बट व्हाट इज द एंगल बिटवीन योर एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऑफ कोर्स 90, सो द मैग्नेटिक फोर्स इज आई एल बी, वो भी ऊपर की तरफ। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला जो आई एल बी फोर्स है ये बहुत बड़ा है, तगड़ा फोर्स है, इसके सामने एम जी बहुत छोटा है। सर एक कैसे पता लगा आपको,
बेटा सवाल में दिया हुआ है कि हमारा जो ILB है वो इम्पल्सिव है एंड वी नो दैट ही ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेवर इम्पल्सिव. सो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ ILB है और ये ILB फोर्स जो है ये इस पार्टिकल की सॉरी इस वायर की बेटा वेलोसिटी चेंज कर देगा. शुरुआत में अगर वेलोसिटी जीरो थी तो थोड़ी सी देर बाद विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इस तार को कुछ ना कुछ वेलोसिटी देगा ऊपर की तरफ भी. तो इस तार के पास पहले भले ही वेलोसिटी जीरो थी, जैसे ही ILB लगा इस तार के पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ गई है वी. ये वी मुझे निकालनी है. ये वी निकालने का सबसे बढ़िया जुगाड़ है कि IMT लगाओ. IMT मतलब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. क्या कहता है ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता है कि इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. इम्पल्स है ऊपर की तरफ, ये फोर्स लगा है ILB इंटू DT. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स. सर MG का इम्पल्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? बड़ा बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए MG का इम्पल्स हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि MG एक नॉन इम्पल्सिव फोर्स है. एंड इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. L को बाहर निकाल लो, B बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन IdT इज इक्वल्स टू MV. L ठीक है, B ठीक है. वी नो दैट कि इंटीग्रेशन IdT ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कि कितना चार्ज फ्लो किया है. सो आप कह सकते हो कि L इंटू बी इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू M इंटू V. और वेलोसिटी जस्ट इस मरकरी से बाहर निकलने पर जो वेलोसिटी आई उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई LbQ/m. ये हमारे पास वेलोसिटी है. फेयर एनफ. अब जैसे ही ये तार इस मर्क्यूरी से बाहर निकला, बाहर निकलते ही वेलोसिटी है ऊपर की तरफ भी. अब करंट जाना हो गया बंद, ये वाला फोर्स लगना हो गया बंद, लेकिन MG तब भी लग रहा है. MG तब भी लग रहा है. सर अब तक तो नेगलेक्ट कर रहे थे, बट अब तक मैं इसलिए नेगलेक्ट कर रहा था कि बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात थी, लेकिन अब तार धीरे 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 ऊपर जाएगा और बड़े आराम से MG मोमेंटम घटा सकता है क्योंकि अब उसके पास समय है, आराम से घटा सकता है. वेलोसिटी ऊपर है, MG नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ. वेलोसिटी लगातार घटेगी 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 घटेगी, V/G टाइम जाने का, V/G टाइम आने का. मुझसे दूसरे वाले सवाल में पूछा है कि तार मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा. वी नो दैट कि दिस मैक्सिमम हाइट इज बेसिकली वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी, दैट इज L²B²Q²/2g नीचे आ जाएगा M². दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द वायर. ये बड़ा वायर की मैक्सिमम हाइट. इस साल जेई के अंदर भी काफी हद तक कॉन्सेप्चुअली इस तरह का सवाल पूछा गया था, हालांकि वो इतना टफ नहीं था, वो भी हम कर लेंगे, उसमें इतना समय नहीं रहेगा. इसमें तो सवाल समझाने में बहुत सारा टाइम लग गया, उसमें इतना समय नहीं रहेगा, वो भी कर लेंगे अगली क्लास में. चलिए बच्चों आगे चलते हैं. अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तो फोर्सेस कैसे कैसे लगेंगे, कितने कितने लगेंगे, किधर किधर लगेंगे. इतना टफ टास्क नहीं है, वी कैन हैंडल इट. सुनिए बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हुई तो मैग्नेटिक फोर्स वायर पर कितना लगेगा सोचते हैं. जैसे हम जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तो अगर हमारे पास कोई तार है उसमें अगर करंट आई है, उसके पास एक छोटा सा एलिमेंट है जिसकी लेंथ अगर DL है, तो इस DL लेंथ के एलिमेंट पर छोटा सा फोर्स आएगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी I × DL×B. ऐसे छोटे छोटे फोर्स छोटे 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 एलिमेंट पे आते जाएंगे और नेट फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इन सारे के सारे फोर्सेस को वेक्टरली ऐड कर लेंगे. दैट इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ I × DL×B. हम चाहें तो I को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस बार मैग्नेटिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस बार यूनिफॉर्म नहीं है. बट कोई बात नहीं, संभालता हूं, उसे बड़े आराम से बनी जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, चलो ये तो ऐसे थ्योरेटिकल बात हुई, हम कई बार लिख चुके हैं इसको, हम सवाल पे आते हैं.
आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बी इज इक्वल्स टू बी नॉट इंटू एक्स के कैप। जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा वैसे वैसे लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहां ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, ठीक। हमारे पास एक वायर पड़ा है ऐसे, इस तरह से इस वायर में करंट की जो वैल्यू है वो आई है, और इसकी जो टोटल लेंथ है वो हमारे पास एल है। फेयर एनफ, फाइन। मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, बेटा वायर पर कितना मैग्नेटिक फोर्स है बताइए। बिल्कुल बताएंगे, वायर जो है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है। फॉर्मूला कौन सा लगाए, आई इंटू डी एल क्रॉस भी लगाएं या फिर आई इंटू एल क्रॉस भी लगाएं? आप बोलोगे सर इस बार मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड आई इंटू एल क्रॉस भी नहीं लगा सकते, बल्कि आई इंटू डी एल क्रॉस भी लगा सकते। तो एक काम कीजिए, एक छोटा सा एलिमेंट लीजिए, यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जाइए, इस तरह से छोटा सा एलिमेंट लीजिए जिसकी लेंथ है डी एक्स, इस इतनी सी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ जिसकी वैल्यू है बी, डीएल है ऐसे, बी है बाहर, डीएल है ऐसे, बी है बाहर, डीएल क्रॉस भी करना, आप बोलोगे सर ऐसे नहीं करूंगा, डीएल है ऐसे, बी है बाहर, डीएल क्रॉस भी किया ऐसे, अंगूठा आ गया नीचे की तरफ, तो इस पर छोटा सा फोर्स आएगा नीचे की तरफ। काश मैं ये छोटा सा फोर्स लिख पाऊं, छोटा सा फोर्स होगा आई इंटू ये लेंथ दैट इज डी एक्स इंटू इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो कि यहां से एक्स डिस्टेंस दूर हम बड़े आराम से मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं बी नॉट इंटू एक्स। सर ये फोर्स तो सिर्फ और सिर्फ इस पर आया, सर ये वाला फोर्स तो इस पॉइंट पर भी होगा, इस 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 पर भी होगा, सर सब पर होगा। हाँ बेटा सब पर होगा, सर सारे फोर्स को ऐड कर ले, कर लो, और फोर्स को ऐड करते वक्त हमें चिंता इस बात की इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे जो फोर्स होंगे वो नीचे की तरफ ही आएंगे, क्योंकि हर जगह डीएल ऐसे होगा, बी ऐसे होगा, तो दोनों के बीच में एंगल बड़ा हमेशा 90 डिग्री रहेगा रहेगा, नेट फोर्स हमेशा ऐसे नीचे की तरफ आएगा आएगा। तो नेट फोर्स अगर निकालना हो तो ऐसे छोटे छोटे फोर्सेस निकालते रहो और उन सबको जोड़ लो। आई बाहर आ गया, बी नॉट बाहर आ गया, एक्स डी एक्स, बट एक्स को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ कि सारा का सारा वायर कवर हो जाए? तो आप बोलोगे सर मैं जीरो से लेकर एल तक कवर करूँगा, और हमारे पास बड़े आराम से आंसर आ गया आई इंटू बी नॉट इंटू एल स्क्वायर अपॉन टू, दैट इज आई इंटू बी नॉट इंटू एल स्क्वायर बाई टू। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया, आई होप यू गेट द पॉइंट। ये बड़ा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। मैं यहाँ पर दो बातें और बताना चाहूँगा, उसका लेना देना ऐसे कोई इस चैप्टर से नहीं है, इसका लेना देना रोटेशन से है, बट फिर भी सुनो। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सिस ले लूँ ऐसे, लेट्स से बेटा दिस इज माई एक्सिस, और मैं आपसे पूछ लूँ कि फाइंड टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, फाइंड टॉर्क अबाउट द एक्सिस, निकाल देंगे टॉर्क, निकालना तो आसान से काम है। यहाँ से इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर, x से x डिस्टेंस दूर वायर पर छोटा सा फोर्स लग रहा है dFs, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आएगा, एज वी नो इट वेरी वेल कि द टॉर्क विल बी कितना बेटा, फोर्स dF मल्टीप्लाई बाई यहां से तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x। ये dF हम पहले से निकाल चुके थे, इस dF को मैं लिख सकता हूं I इंटू बी नॉट इंटू एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक एक्स और ऐसे ही बड़ा। फिर है ना, इस फोर्स का टॉर्क निकालो, इसका भी 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 निकालो, सबका निकालो, सबका टॉर्क निकालना है, जोड़ दो। सर डायरेक्शन में ध्यान नहीं देना, नहीं 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 देना, क्योंकि सबका टॉर्क जो होगा वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है, और अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है बड़ा हमसे ऐड कर सकते हैं कि नेट टॉर्क विल बी आई बाहर बी नॉट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स को कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, जीरो से लेके एल तक, और हमारे पास ये आ गया दैट इज आई इंटू बी नॉट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई थ्री, लिमिट लगाऊंगा तो एल क्यूब बाई थ्री। आई रियली होप ठीक है आपको याद होगा, रोटेशन में आप लोगों ने इस तरह से टॉर्क वगैरह पढ़ रखे होंगे, तो मैंने इसलिए सोचा मैं भी करा देता हूँ ठीक है। हालांकि कोई बहुत ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, मैग्नेटिक फोर्स का तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा फंडा था, ये मुझे लगा कि यार टॉर्क वर्क भी बच्चों को लिखना आता होगा, नहीं लिखना आता तो थोड़ा बहुत रिविजन भी हो जाएगा इस बार में, तो मैंने इस चक्कर में करा दिया, आई होप चलेगा। अच्छा हाँ, रोटेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने एक टर्म और पढ़ी थी यार, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो याद करो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वो वाला पॉइंट हुआ करता था जिस पॉइंट पर अगर हम सारे के सारे फोर्स को लगता हुआ मान लें तो वो एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जितना टॉर्क एक्चुअल सिस्टम पे लग रहा था। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि फाइंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या शब्द यूज किया बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो कहानी बेटा ये थी कि ये हमारे पास एक्सिस थी, ये हमारे पास तार था, मान लेते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहाँ से xp डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पर हम वो सारा का सारा फोर्स लगता हुआ मान सकते हैं, कितना फोर्स आया था i इंटू बी नॉट एल स्क्वायर बाई टू, और ये वाला फोर्स इस पॉइंट पर लगकर उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जितने ये इंडिविजुअल छोटे छोटे फोर्सेस मिलकर जितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे थे वो। तो आप कह सकते हो कि सर इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क आएगा यहां से इस फोर्स की दूरी xp इंटू आई इंटू बी नॉट एल स्क्वायर बाई टू, एंड इट शुड बी इक्वल टू जितना टॉर्क सारा आया है। तो आप कह सकते हो कि दैट इज आई इंटू बी नॉट एल क्यूब बाई थ्री। हाँ बेटा आई बाहर आया, कॉन्स्टेंट था, कैंसिल हो गया, ओ सॉरी बेटा यहाँ पर थ्री था, एल स्क्वायर कैंसिल आ गया और एक्स पी की वैल्यू आ गई बेटा मेरे ख्याल से कितनी आ गई है, टू एल बाई थ्री। तो आप कह सकते हो कि सर इस तार के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है वो इस कोने से टू एल बाई थ्री डिस्टेंस पे है, इस कोने से 2L बाई थ्री डिस्टेंस पर अगर आप नेट फोर्स लगता हो मानोगे तो वो एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा जितना टॉर्क वो छोटे छोटे डीएफ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगेन बेटा आप लोगों को क्लास में पढ़ा रखा है ठीक है, आई होप यू रिमेंबर दैट है ना, आप लोगों को बेटा रोटेशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हाँ ऑफकोर्स सिचुएशन ये नहीं थी उस दिन, अपन को मैग्नेटिक फोर्स थोड़ी आते थे उस दिन, सिचुएशन को मैकेनिक्स की थी, आज यहाँ पर आ गए, फंडे थोड़ी चीज आएंगे, फंडे तो वही रहेंगे है ना, फंडे तो वही रहेंगे। चलिए बच्चों आगे चलिए, नेक्स्ट इज एक और सवाल, थोड़ा और टफ करते हैं, सुनिएगा। आपके पास ये एक वायर है, इस वायर में करंट है आई वन, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट है आई वन, दिस वन इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, दूसरा वायर जो है वो ऐसे पड़ा है, ये परपेंडिकुलर और इसमें करंट है I2, लेंथ है L, और ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से A डिस्टेंस दूर से ये दूसरा वाला तार स्टार्ट, ये वाला तार तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये वाला तार फाइनाइटली लॉन्ग है, इसकी लेंथ L ही है, ये A है तो ये डिस्टेंस A प्लस L है। सवाल है फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन वायर्स, बेटा दोनों वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स निकालो। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, इसकी वजह से इसके अलग अलग पॉइंट्स पर बी लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लिखो और आई इंटू डी एल क्रॉस बी करो, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि इसकी वजह से इसके अलग अलग पॉइंट्स पर बी लिखो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिखो और आई इंटू डी एल क्रॉस बी करो।
आप जानते हैं इस बात को कि इस इनफाइनाइट वायर के कारण इसके अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना आसान है एज कंपेयर टू इस छोटे से वायर के कारण इसके अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखने के मुकाबले। तो किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे और किस पर फोर्स लिखोगे? आप बोलोगे सर इस बड़े वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा और इस पर फोर्स निकालूंगा। हाँ, वो अलग बात है भाई, न्यूटन थर्ड लॉ, जितना फोर्स इस पे उतना फोर्स इस पे, वो हम कह देंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब बड़ा फॉर्मूला कौन सा, आई इंटू एल क्रॉस बी या आई इंटू डी एल क्रॉस बी? आप बड़ा घर पे चीख चीख के कह रहे होंगे सर आई इंटू एल क्रॉस बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर इस तार के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी, यहाँ और कम होगी, यहाँ सबसे कम होगी। सर आई इंटू एल क्रॉस बी नहीं चलेगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी चलेगा। हो सकता है कोई बच्चा ये भी सोच रहा हो कि सर जब यूं आपने तार लिया था ना, तब तो आप आई इंटू एल क्रॉस बी यूज़ कर रहे थे। अरे भाई, उस टाइम हम इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि उस केस में यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम थी, इस बार सेम नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए बच्चों, आई इंटू डी एल क्रॉस बी करना है तो इसका मतलब एक छोटे से एलिमेंट पर फोर्स निकालना है, और छोटे से एलिमेंट पर फोर्स निकाल के फिर उसे जोड़ना है। अभी जोड़ते हैं, यहां से x डिस्टेंस दूर गया और मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यहां से x डिस्टेंस दूर गया और एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया s, जिसकी लेंथ है dx। ठीक है, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण करंट है ऊपर की तरफ, जिधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हथेलियां फैला दी, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। इस तार के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ। अब इस तार के पास dl वेक्टर है ऐसे, b वेक्टर है ऐसे, dl वेक्टर ऐसे है, b वेक्टर ऐसे। dl की तरफ हाथ ले गए, b की तरफ उंगलियां घुमा दी, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, तो छोटा सा फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, फोर्स छोटा सा होगा, उस फोर्स को मैंने df लिख दिया। क्या फॉर्मूला है भाई इस फोर्स का? आप बोलोगे सर इस फोर्स का फॉर्मूला है इस तार का तो करंट कितना मेरे बच्चे I2, इतने से तार की लेंथ कितनी लेंथ मेरे बच्चे dx, मल्टीप्लाइड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे बच्चे बोलेंगे सर म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई एक्स। हो गया फोर्स, हो गया इतना ही बेटा फोर्स। तो और ये जो फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगा है, वही इस पर भी ऊपर की तरफ लगा है, 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 इस पर। सर आप ये एरो की लेंथ घटा क्यों रहे हो? बेटा जितना दूर वाला पॉइंट होगा इस तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो ऑफकोर्स फोर्स भी कम होगा, लेकिन सारे फोर्स है तो सेम डायरेक्शन में, और अगर सेम डायरेक्शन में तो मैं क्या करना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए, तो ऐड कर दो, एडिशन ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन, दैट इज म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x। बेटा x को कहां से कहां तक वेरी करूं कि सारा का सारा वायर कवर हो जाए? तो आप बोलोगे सर आपने x मेजर किया है यहां से, हमारा जो तार है वो यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, तो इधर वाला पॉइंट तब आएगा जब x की वैल्यू a होगी, और इधर वाला पॉइंट तब कवर होगा जब x की वैल्यू a प्लस l होगी। तो हमें इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, a से लेकर a प्लस l। तो फोर्स की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट I1 I2 upon 2 pi log of a plus l upon a। ये आंसर आ गया, बढ़िया आंसर है बेटा, मैंने अपनी तरफ से आंसर बता दिया है, लेकिन जस्ट हो सकता है किसी बच्चे के मन में डाउट हो कि सर आपने x यहां से क्यों लिया, सर आप x यहां से नहीं ले सकते क्या? ले सकते बेटा, क्यों नहीं ले सकते? अगर ढंग से करोगे ना, सही से करोगे तो आंसर सही आएगा। देखना मैं एक तरीके से वो करता हूं, कोई मेरा बच्चा जिद कर ले कि सर मैं x यहां से मेजर करना चाहता हूं, यहां से मेजर करना चाहता हूं, करो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखना
अगर आपने x यहां से मेजर किया, फिर से एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट पर फोर्स आया ऊपर की तरफ, इस फोर्स को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं। बड़ा जल्दबाजी क्यों कर रहा हूं तुम जानते हो ना, सवाल दोबारा कर रहे हैं। इस तार में करंट कितना है I2, लंबाई कितनी है dx, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से तक डिस्टेंस बच्चों आंसर ए प्लस एक्स। सर मुझे तो नेट फोर्स निकालना है, बेटा नेट फोर्स निकालना तो सारे के सारे फोर्सेस को ऐड ऑन कर लो, सारे के सारे फोर्स ऊपर 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 लग रहे हैं, ऐड ऑन कर लो, और ऐड करने के लिए मैंने म्यू नॉट आई वन आई टू बाहर रख दिए, टू पाई बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। एक्स को कहां से कहां तक वेरी करो, भाई तार तो यहां से यहां तक है, इस पॉइंट के लिए ऑफकोर्स एक्स की वैल्यू जीरो होगी और इस पॉइंट के लिए ऑफकोर्स एक्स की वैल्यू एल होगी, क्योंकि आप बेटा एक्स मेजर कहां से कर रहे हो, यहीं से मेजर कर रहे हो, तो इस वाले पॉइंट के लिए एक्स जीरो, इस वाले पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू एल, तो यू आर मेजरिंग फ्रॉम जीरो टू एल। अरे बेटा दैट इज म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई लॉग ऑफ ए प्लस एक्स, वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स विल वेरी फ्रॉम जीरो टू एल। वही आंसर आपका वापस आ गया बेटा, वही आंसर आपका वापस आ गया। आई होप समझ गए इस बात को। चलिए बच्चों, आप इस बात को कितने एलिमेंट्स लेने वाली बात को आप कितने बढ़िया तरीके से समझे हो, इसकी इसको देखने के लिए मैं आपको ना एक सवाल और पूछ रहा हूं, ठीक है बेटा, एक छोटा सा ही सवाल है, एक सवाल और पूछ रहा हूं जिससे मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि मेरे बच्चों को एलिमेंट लेने आ गए और एलिमेंट की समझ हो गई है कि ठीक है एलिमेंट कैसे कैसे चूज करने, उस बात की समझ आ गई है। तो एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूं, हालांकि सवाल काफी हद तक रिपीटेटिव है, जैसा सवाल ये था वैसे ही नया वाला सवाल, बट फिर भी कुछ तो सिखाई दूंगा। ये तार है, इस वायर के अंदर जो करंट की वैल्यू है वो आई वन है, ये परपेंडिकुलर है, यहां से ए डिस्टेंस दूर एक तार है दूसरा, और वो ऐसे पड़ा है, यू पड़ा है, इसमें करंट है I2, ये फाइनाइट है बेटा, इसकी लेंथ है L और ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। सवाल बच्चे वही है, फाइंड, अरे यार मिटाया क्यों उसको, सवाल तो वही था, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन वायर्स, दोनों वायर्स के बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स है, आराम से निकालो। हो सकता है कि कुछ बच्चों से गलती हो जाए, अगर गलती होगी तो और अच्छी बात है, कुछ सीख जाओगे एलिमेंट्स कैसे चूज करते हैं वगैरह वगैरह इस बात में, ठीक है। तो हो सकता है कि बेटा आप सबको गलती हो जाए, कोई बात नहीं, गलती होने से इंसान तो सीखता ही है, चलने दो। सवाल बेटा मैंने लिखाई दिया, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द वायर्स, ठीक है, चलो हाँ बेटा। अब मैं कह रहा हूं, पहली बात जो बच्चों से गलती होती है मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। बच्चे क्या कर लेते हैं, कई बार ऐसे कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किया है, हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसा किया हो कि यहां से x डिस्टेंस दूर जाकर इधर dx ले लिया, ऐसे कभी नहीं करना है। लीनियर टर्म्स में आप जिस तरफ x लोगे उसी तरफ dx लोगे, यू नहीं कि आपने x तो इधर ले लिया और dx इधर ले लिया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा कभी नहीं करना। सर लास्ट टाइम तो कर लिया था मैंने, यहां से लिखा था बेटा, लास्ट टाइम आपका तार यू पड़ा था तो x भी इधर था dx भी इधर था,
ऐसा थोड़ी था कि x इधर था और dx यूं था, कम से कम दोनों सेम डायरेक्शन में थे। तो लीनियर जब भी आप एलिमेंट्स लो तो जिस तरफ x लोगे उसी तरफ dx लोगे, क्योंकि dx क्या था, x का चेंज था। अब आप x तो ले रहे हो ऐसे और dx ले रहे हो ऐसे, ऐसे नहीं चलेगा, कभी भी ऐसा नहीं करना। तो सर अब क्या करूं, अब एक ही चारा बचता है, सुनना बच्चे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आई इंटू एल क्रॉस बी या आई इंटू डी एल क्रॉस बी। तो अगेन बड़ा आप चीख चीख के घर से कह रहे होंगे सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस बड़े वाले तारे कारण ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, सर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, तो आई इंटू एल क्रॉस बी नहीं चलेगा, आई इंटू डी एल क्रॉस बी चलेगा। अरे भाई आई इंटू डी एल क्रॉस बी चलेगा तो पहले डी एल तो लो, छोटा सा एलिमेंट तो लो। एलिमेंट कैसे लें, बहुत आसान है, एलिमेंट आप यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे एक छोटा सा कट लगाओ डी एक्स विड्थ का। सर ये अलाउड है क्या, अरे हाँ भाई ये तो अलाउड है ही, एक्स भी ऐसे लिया है डी एक्स भी ऐसे लिया है, ये थोड़ी क्या मैंने कि एक्स भी ले लिया और डी एक्स ऐसे ले लिया, सेम डायरेक्शन में लिया। इस इनफाइनाइट वायर के कारण इस एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, चेक कर लो बेटा, करंट है ऐसे, अंगूठा लगा दिया जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस तरफ हथेलियां फैला दी ऐसे, हथेलियां पॉइंट कर रही है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। और वैल्यू बात की बात, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, डीएल है ऐसे, बी है ऐसे, फोर्स अगर लगता है डीएल क्रॉस बी, तो डीएल की तरफ हाथ ले गए, बी है अंदर की तरफ, अंगूठा आया ऐसे, तो फोर्स आएगा ऐसे, इस छोटे से तार पे फोर्स आएगा ऐसे, इसी पर नहीं सब पर ही फोर्स आएगा ऐसे, इस पर आएगा ऐसे, इस पर आएगा ऐसे, इस पर आएगा ऐसे, काश मैं छोटा सा फोर्स डीएफ लिख पाऊं। बच्चे बोले सर बिल्कुल ये फोर्स तो लिख ही लेंगे, सिर्फ दो दिन से कर ही रहे अपन पे, तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं आई, बड़ा बोलना इसमें करंट कितना है, करंट है आई आई टू, लेंथ लेंथ है डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई इस तार के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, इस तार के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई इस तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बड़ा बताओ इस तार से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी, तो बच्चे बोला सर ए, ए तो ये हो गई प्लस ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस और ये कितनी बेटा एक्स कॉस थीटा, तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस आ गई है ए प्लस एक्स कॉस थीटा, ए प्लस एक्स कॉस थीटा, ए भी कॉन्स्टेंट है थीटा भी कॉन्स्टेंट है, वेरी तो सिर्फ और सिर्फ डी एक्स कर रहा है, तो हमारे पास ये छोटा सा फोर्स आ गया है डी एफ। सर मुझे तो पूरा फोर्स निकालना था, देखा आपने फोर्स की डायरेक्शन हर जगह सेम है, और अगर फोर्स डायरेक्शन सेम है तो मैं कुछ खास और पंचायत करने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स विल बी म्यू नॉट बाहर आई वन बाहर आई टू बाहर टू पाई बाहर, सही तो क्या बेटा म्यू नॉट बाहर आई वन बाहर आई टू बाहर टू पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स कॉस थीटा। बड़ा दिखाई तो दे रहा है, बिल्कुल दे रहा। x को कहां से कहां तक वेरी करूं, तो आप बोलोगे सर x को मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फोर्स निकालना है, इस वाले पॉइंट के लिए x की वैल्यू जीरो, इस पॉइंट के लिए l, क्योंकि तार की कुल लंबाई तो मैं l दे रखी थी, तो जीरो से लेके l तक फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट i1 i2 2 पाई, ठीक है बेटा नीचे cos theta आएगा, आई होप यू नो दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स का जो कॉफिशियंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, अंदर आएगा लॉग ऑफ ए प्लस एक्स कॉस थीटा। एक्स को कहां से कहां तक वेरी करना है बेटा, जीरो से लेके एल तक, और इस फोर्स की वैल्यू बड़े इत्मीनान से मेरे पास आ गई है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई कॉस थीटा लॉग ऑफ, बेटा एक्स को एल रखना तो ए प्लस एल कॉस थीटा माइनस लॉग ऑफ ए, बड़ा मैं उसको अपॉन ए भी लिख सकता हूं, इतने बड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज अपन को आती चल जाएगा, ये हमारा आंसर है। और इसी में अगर मैंने थीटा को जीरो रख दिया
तो वही आंसर आ जाएगा। तो पिछले वाले सवाल क्या आया था, जो पिछले वाले सवाल का आंसर था वही आ जाएगा अगर हमने थीटा को जीरो रख दिया तो। थीटा को अगर मैंने जीरो रख दिया तो बेटा वही आंसर जो लास्ट, थीटा इक्वल्स टू जीरो मतलब वी ऐसे। ठीक है आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, खूब प्रैक्टिस की अपन ने एलिमेंट्स लेने की। सवाल तो नहीं अपन और करेंगे यार, एक और कर लेते हैं, सीख ही रहे बातें तो, है ना। तो प्रैक्टिस तो बड़ा, चाहे तुम क्लास में कर लो चाहे बाद में होमवर्क में कर लो, एक ही बात है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे ख्याल से मैं बेटर करा सकता हूँ एज कम्पेयर टू योर होमवर्क, तो मैं सवाल कई बार ज़्यादा भी करा लेता हूँ। तो एक और कर लो, सुनो। सवाल ऐसा है, ये आपके पास एक वायर है, ये परपेंडिकुलर, यहां हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट है I1, अंदर की तरफ क्रॉस लगा रखा, मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ करंट जा रहा तगड़ा I1। दिस इज योर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और इस फाइनाइट वायर के बीच में ये जो सेपरेशन है, ये बड़ा मुझे R दे रखा है। इस फाइनाइट वायर के अंदर करंट की वैल्यू है I2 और इसकी लेंथ आपके पास है N। बाकी तुम सवाल जानते ही हो, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज टू वायर्स। अरे यार फिर से मैंने सवाल मिटा दिया, लिखा हुआ ही था, तुम खुद ही लिख लोगे यार, मैं भी लिख दूंगा। चलो ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन दीज वायर्स, इन दोनों वायर्स के बीच में कितना मैग्नेटिक फोर्स है। अभी सोचते हैं। करना तो I इंटू डीएल क्रॉस भी करना है, लेकिन करें क्या, इसकी वजह से इसके अलग अलग पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखकर इस पर फोर्स निकालें, या फिर इस फाइनाइट वायर की वजह से इस इनफाइनाइट वायर के अलग अलग पॉइंट पर बी लिखकर I इंटू डीएल क्रॉस भी करें। आप बोलोगे सर कि इस इनफाइनाइट वायर के कारण इसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना आसान है एज कंपेयर टू इस फाइनाइट वायर के कारण, इस फाइनाइट वायर के कारण इस पर फोर्स निकालना ज्यादा मुश्किल है कि ज्यादा मुश्किल। तो क्या करें, कर देते हैं, इसकी वजह से बी लिखते हैं, और हम जानते हैं कि इस इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां पर बी ज्यादा होगा, यहां कम होगा, यहां और कम होगा, यहां कम। तो आई इंटू एल क्रॉस बी काम देगा या फिर आई इंटू डीएल क्रॉस बी काम देगा। अगेन आप लोग यही कह रहे होंगे कि सर आई इंटू डीएल क्रॉस बी यूज कर लेते हैं। चलो छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इस वायर में मैंने एक्स डिस्टेंस दूर बड़ा करंट आई टू है, लेंथ एल है, एक्स डिस्टेंस दूर हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, जिसके विड्थ है डी एक्स। कोई बात नहीं, काश मैं इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड लिख पाता। किसकी वजह से, दूसरे वाले वायर की वजह से। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस तार पर अगर फोर्स चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए होगी, दूसरे वाले तार की। इस तार की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर अगर ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस आएगी r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और तार में करंट है अंदर की तरफ तो अंगूठा अंदर की तरफ,
इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उस तरफ हथेलियां फैला दी, हथेलियां पॉइंट कर रही हैं ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। आई रियली होप बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालनी आती है, मैंने सिखा रखी है आपको। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल अगेन कम्स आउट विद थीटा। काश मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लिख पाता। बच्चे बोल सर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लिखने में कौन सी दिक्कत है, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर। आर मतलब ये डिस्टेंस, अरे भाई ये डिस्टेंस आर नहीं है बच्चों, ये डिस्टेंस तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लीजिए अब मुझे इस पॉइंट पर इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता है, इस तार में करंट पता है, इसकी लेंथ पता है, सिर्फ फोर्स निकालना है। निकाल लेंगे, मैं अलग से दिखा देता हूँ। यहाँ पर छोटा सा वायर है जिसमें करंट है I2, इसकी छोटी सी लेंथ है dx, बस बड़ा करके दिखा दिया, जूम करके दिखा दिया, है तो थोड़ा छोटा सा। और दूसरे वाले तार के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो बेटा ऐसे आ रही है, वो यू आ रही है। आप में जो करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है, और करंट में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है ठीक है बेटा, मैंने सिर्फ इसी डायग्राम को जूम करके दिखा दिया, ये मत सोचना कि चलो तार को लंबा कर दिया। डीएल ऐसे है, जिस तरफ करंट जाता है उस तरफ करंट एलिमेंट वेक्टर की लेंथ होती है, तो डीएल ऐसे है, बी ऐसे है, डीएल ऐसे, बी ऐसे। डीएल की तरफ हाथ ले गए, बी बेटा ऐसे, बी की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो ऑफ कोर्स इस वायर पर फोर्स आएगा अंदर की तरफ। लेट्स से दैट फोर्स इज डीएफ। ये फोर्स लिखना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। क्या फॉर्मूला होता है इस फोर्स का? इस फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था, इसका तो करंट, इसकी लेंथ dx मल्टीप्लाइड बाय इस वाले तार के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अभी बचा है ना, अभी बचा है फॉर्मूला, आप इसे बोलो आई इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ थीटा। सर अभी तक जितने सवाल किए उनमें तो ये साइन थीटा नहीं लिखा था। बड़ा याद कर लो, वापस से सवाल देख लेना चाहे, हमने जितने भी सवाल किए थे उनमें से बात की थी अपन ने इस बात की एल वेक्टर और बी वेक्टर बीच में एंगल कितनी है। हर बार आपके डीएल वेक्टर और बी वेक्टर बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा था, और जब एंगल 90 डिग्री आ रहा था तो हम लोगों ने कहा कि यार उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे जाए। इस बार आपका जो एंगल था ये कुछ और आया, लिख दिया, इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई वन I2 upon 2 pi root of r square plus x square into dx into sin theta. Sin theta is of course perpendicular upon hypotenuse, that is x upon root of r square plus x square, एक dx बेटा पहले से। चलिए बेटा अब आपने इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स डाल दिया, वही फोर्स इस पर 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 सब पर बड़ा फोर्स आएगा, और अगर फोर्स निकालना तो क्या कर लें, जोड़ लो। जोड़ना मतलब क्या है, इंटीग्रेशन। नेट फोर्स अगर निकाल लो तो दैट इज म्यू नॉट बाहर, आई वन बाहर, आई टू बाहर, टू पाई बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को कहां से कहां तक वेरी करें कि पूरा तार कवर हो जाए, तो आप बोलो सर ये वाला पॉइंट तो जीरो, ये वाला पॉइंट एल, तो एक्स को हम वेरी करेंगे जीरो से लेके एल तक। इंटीग्रेशन बड़ा आसान सा है, आप चाहो तो बड़ा इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप एक बार के लिए चलो टी स्क्वायर लिख दो, इसका डिफरेंशियल आ गया टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू
टू टी डी टी, टू से टू कैंसिल हो गया, ऊपर एक्स डी एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ टी डी टी, नीचे रूट ऑफ आर सॉरी रूट नीचे बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल हो गया बेटा मेरे पास आ गया दैट इज लॉग ऑफ टी, बेटा टी क्या था अपना वो था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, बड़ा हाफ को इसे बाहर निकाल सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई बड़ा कितनी आ गई म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई हाफ टाइम्स लॉग ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ा एक्स को कहां से कहां तक वेरी करना है जीरो से लेके एल तक, बड़ा करना मेरे ख्याल से फोर्स की वैल्यू आ गई है म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन फोर पाई लॉग ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस बड़ा एक्स को एल जीरो रखना अपॉन आर ये बड़ा हमारे फोर्स की वैल्यू आ गई है दोनों तार के बीच में जो फोर्स की वैल्यू है वो आपके पास है। आई होप बड़ा इस बात को था समझ ही गए होंगे इतना टफ भी नहीं था। ठीक है बच्चों आगे चले चलिए दिस वॉज द मैग्नेटिक फोर्स। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना बड़ा कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आई इंटू डी एल क्रॉस बी या आई इंटू एल क्रॉस बी से आपकी बात बन जाएगी, बस ये सोच लिया करो कि ना मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है, उसके बाद तो ठीक है बेटा ऐसे इतना टफ टास्क था नहीं। और मैंने कोशिश की कि मैं हर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही करा दूँ है ना जिससे आपको कोई दिक्कत आई नहीं, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाएंगे अपन से। चलिए बेटा नेक्स्ट इज बड़ा नेक्स्ट इज फोर्स एंड टॉर्क। ऑन करंट कैरिंग लूप बड़ा आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, लूप मतलब बड़ा पूरा ऐसे जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म होना चाहिए, और उस करंट कैरिंग लूप को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस पर कितना फोर्स लगेगा कितना टॉर्क लगेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें बेटा आप डिस्कस करना चाहते हैं बिल्कुल कर लेंगे डिस्कस यही करना है। चलो सुनना बेटा आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक वायर यूं चलते 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 करंट ऐसे गया यूं गया यूं गया यूं गया, कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है लेट्स से बड़ा मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस लेट्स मैग्नेटिक फील्ड इज बी, कोई छोटा सा अगर एलिमेंट होगा तो उस छोटे से एलिमेंट पर जो फोर्स होगा वो हमें लिखना आता है दैट इज आई इंटू डी एल वैक्टर इंटू बी वैक्टर। पूरा अगर फोर्स निकालना है तो ऑफकोर्स ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेते रहो उन पर फोर्स निकालते रहो और जोड़ते रहो। मैंने बेटा आई वेक्टर को बाहर निकाल लिया सॉरी आई वेक्टर को नहीं आई को बाहर निकाल लिया, बच्चे बोले से बी को बाहर निकाल लो, बी हर जगह यूनिफॉर्म है सर आपने हेडिंग में लिखा हुआ भी है यहां पे लिख देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। जैसे मैंने इस बी को बाहर निकाला मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर बच गया। ये इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर क्या है, इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर है डीएल वेक्टर प्लस डीएल वेक्टर प्लस डीएल वेक्टर प्लस डीएल वेक्टर प्लस डीएल वेक्टर जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर डीएल वेक्टर। वी नो दैट कि इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एल वेक्टर, लेकिन अगर आपके पास इस तरह से करंट कैरिंग लूप हुआ तो आपका एल वेक्टर तो जीरो होगा क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है फाइनल पॉइंट भी वही है
और अगर ऐसे केस में अगर आपका एल वेक्टर अगर नल वेक्टर हुआ या जीरो वेक्टर हुआ तो हम जानते हैं कि उस पर लगने वाला जो फोर्स आएगा वो तो जीरो आएगा। तो इस तरह से अगर वो बिल्कुल करंट कैरिंग लूप है और अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स आएगा बेटा वो हमेशा आपका जीरो आएगा। ठीक है, चलो फोर्स की बात तो हो गई। तो सर फोर्स जीरो आएगा तो क्या टॉर्क भी जीरो आएगा क्या? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बॉडीज पर हो सकता है कि फोर्स जीरो हो लेकिन टॉर्क जीरो ना हो, ऐसा तो हो ही सकता है। मैंने आपको पहले बताया था वाली बात, मैंने आपको ना ये वाली बात रोटेशन बताई थी। जैसे ये पेन है, इस पर इधर फोर्स आगे लगाऊं यहाँ फोर्स पीछे लगाऊं तो नेट फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, लेकिन रोटेटिंग इफेक्ट तो आएगा। और अगर रोटेटिंग इफेक्ट आएगा इट मीन्स दैट कोई ना कोई टॉर्क तो आएगा, तो टॉर्क तो है, तो टॉर्क आ सकता है। टॉर्क किस बात पर डिपेंड करेगा देखते हैं। चलिए कुछ चलिए एक सवाल के थ्रू मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिए बेटा, आपके पास इस तरह का एक अरेंजमेंट है, इस तरह से सेमी सर्कुलर वायर टाइप बेटा, इसमें करंट जा रहा है, ऐसे करंट है आई, करंट है आई, करंट है आई। ठीक है, इसका सेंटर बड़ा यहां के जो रेडियस है वो ऑफ कोर्स आर है। रेडियस जो है वो आर है, सेंटर बड़ा यहां के मान लो करंट कैरिंग वायर है, यू सेमी सर्कुलर शेप में यू करंट जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है इस रीजन में वो यूनिफॉर्म है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड जो वो बी है, ये यूनिफॉर्म है और ये पैरेलल टू डायमीटर है बेटा, जो हमने डायमीटर पहले से बना रखा है उसके पैरेलल आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस लूप पर मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क दोनों बताओ। फाइंड फोर्स एंड टॉर्क ऑन द लूप, ये जो करंट कैरिंग लूप है इस पर फोर्स कितना है और टॉर्क कितना है दोनों बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। सुनो बेटा, फोर्स तो जीरो आ गया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर करंट कैरिंग लूप है वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए फॉर्मूला कहूंगा आई इंटू एल क्रॉस बी, और हमारा जो एल वेक्टर है वो जीरो होगा क्योंकि लूप है, इसलिए पक्की बात है कि फोर्स तो जीरो आएगा। बिल्कुल सही बात है। टॉर्क निकालना है, टॉर्क निकालने के लिए देखना मैं क्या करता हूं, इसी बहाने मैडम आपको उसकी थ्योरी भी समझा दूंगा, काम बन जाएगा आपका। मैंने सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का जो तार था उसको देखा, इस तार के हर एलिमेंट पर डीएल वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे। बेटा डीएल वेक्टर ऐसे और बी वेक्टर ऐसे तो एंगल कितना हो गया 180, तो डीएल क्रॉस बी क्या हो गया जीरो। इसका मतलब इस पूरे एलिमेंट पर किसी भी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, यहां से लेकर यहां तक तो आप कह सकते हो कि एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 180। सो यहां से तक के तार पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। बात करते हैं अब यहां से तक के तार की, बिल्कुल करते हैं। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा। हमारे पास ये आपका डीएल वेक्टर है, ये रेडियस आर है,
इधर आपके पास छोटी सी लेंथ है, बेटा कितनी लेंथ है, आर डी थीटा। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, आराम से देख लो। ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल आपके पास फिर से थीटा। ये रेडियल है, ये टेंजेंशियल है, तो इन दोनों के बीच में एंगल टोटल 90 होना चाहिए, तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया 90 माइनस थीटा। अब सुनना इस बात को, डीएल वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, फोर्स लगता है डीएल क्रॉस बी की तरफ, डीएल है ऐसे, बी है ऐसे, डीएल की तरफ हाथ ले गया, बी है ऐसे, बी की तरफ उंगलियां, कर्ल की अंगूठा आ गया अंदर की तरफ, तो ऑफ कोर्स इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स आएगा अंदर की तरफ। मैंने क्रॉस लगा दिया बेटा, काश मैं ये छोटा सा फोर्स लिख पाता, ये छोटा सा फोर्स आएगा डीएफ, लिखाओ बेटा लिखाओ, आई इंटू डीएल, डीएल मतलब इसकी लेंथ, कितनी लेंथ बेटा, आर डी थीटा, आई इंटू डीएल इंटू बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, कितनी बेटा बी, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट इज 90 माइनस थीटा। और मेरे ख्याल से ये छोटा सा फोर्स आ गया, दैट इज आई आर बी कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सर आपने तो कहा था नेट फोर्स जीरो आएगा, हाँ कहा था, तो सर ये क्या आ रहा है, अरे ये इसका सम जीरो आएगा, चिंता मत करो इसका सम जीरो आएगा, देख लेना। चलो आगे चलते हैं। इसी तरह से मैंने क्या किया कि इसके जस्ट सामने यहां पर कोई पॉइंट लिया, सेम कहानी बेटा, ये वाला एंगल में थीटा बिल्कुल सेम बेटा, मैंने ऐसा एलिमेंट लिया, यहां पर जो करंट कैरिंग छोटा सा एलिमेंट होगा उस पर भी उतना ही फोर्स लगेगा, सिर्फ डायरेक्शन की चिंता है। तो बच्चे बोलेंगे सर ये रहा आपका डीएल और इस पॉइंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रही ऐसे, डीएल है ऐसे, बी है ऐसे, तो डीएल की तरफ हाथ ले गया, बी बेटा हॉरिजॉन्टल में है, उंगलियां कर्ल की ऐसे, तो अंगूठा आ गया बाहर की तरफ, तो इस छोटे से एलिमेंट पर फोर्स आएगा बाहर की तरफ। एंड एज वी नो दैट कि दिस फोर्स विल ऑल्सो इक्वल टू डीएफ, जितना फोर्स इस पर ऐसे उतना ही फोर्स इस पर ऐसे, दोनों फोर्स बेटा बराबर क्यों है, समझ तो आ गया ना, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, जितना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर बीच में एंगल, उतना ही बड़ा डीएल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बीच में एंगल। सिर्फ और सिर्फ अंतर किस बात का है, डायरेक्शन का, कि यहां पर फोर्स जो लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, यहां पर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। बेटा मैंने यहां पर क्रॉस लगा दिया है और यहां पर मैंने डॉट लगा दिया है, और आपने आपको मेरे ख्याल से इस बात के बारे में आइडिया लग गया होगा कि इस छोटे से एलिमेंट पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तार के पूरे हिस्से में, इधर वाले हिस्से में फोर्सेस लग रहे हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पर फोर्स लग रहे हैं बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। इस कारण से सारा का सारा जो तार है उसमें आप ऐसा सोच सकते हो कि तार में अगर करंट यूं जा रहा है तो इस हिस्से पर तो कोई फोर्स है ही नहीं, और बाकी जो हिस्सा बचा इसमें फोर्स यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बाहर, यहाँ पर अंदर, यहाँ पर बाहर। अब मैं आपसे पूछूं बेटा जरा बताना कि नेट फोर्स कितना आएगा, आप बोलोगे सर दिख गया मेरे को, अब तो पहले तो फॉर्मूले से ही सोच पा रहा था, अब तुम आराम से कह सकता हूं कि नेट फोर्स विल बी जीरो, बेटा नेट फोर्स विल बी जीरो, दिख गया आपको, पहले से फॉर्मूले से बोल रहे थे तब दिख भी गया, हाँ लेकिन इतना जरूर पता लग गया कि भले ही नेट फोर्स जीरो हो लेकिन छोटे छोटे एलिमेंट्स पर जो हल्का हल्का डीएफ डीएफ आया है उन सबका वेक्टर सम भले ही जीरो हो लेकिन उसका रोटेटिंग इफेक्ट आया है, और रोटेटिंग इफेक्ट कैसा है, अगर ये तार है तो इस हिस्से को आप खींच रहे हो अंदर की तरफ, इस हिस्से को आप खींच रहे हो बाहर की तरफ, तो सारा का सारा एलिमेंट यू रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे रोटेट करना चाह रहा है। सर उसका टॉर्क बता पाओगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बताएंगे, अभी तो ये कन्विंस किया कि फोर्स जीरो आएगा, टॉर्क तो निकाल लेंगे अपन बेटा, टॉर्क तो निकाल लेंगे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम इस बात पे कन्विंस हुए कि आपका फोर्स जीरो आएगा, आपका फोर्स जीरो आएगा। चलो टॉर्क भी जीरो करते हैं, अरे टॉर्क जीरो नहीं, निकालते कितना है, सर आपने बताया नहीं कि टॉर्क निकालना कहां से, आप सर जब भी सवाल पूछते हो ना तो आप कम से कम बताते हो कि यार इस एक्सेस के अबाउट टॉर्क बताओ, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ, इस बार कुछ नहीं बताया आपने, तो सर हम टॉर्क नहीं निकालें क्या, नहीं बेटा निकालो सर बिना एक्सेस के, हाँ बेटा बिना एक्सेस के, मैंने अगर एक्सेस नहीं दी इसका मतलब टॉर्क जो है वो एक्सेस पर डिपेंड नहीं कर रहा,
याद करो कि एक्सिस पर टॉर्क डिपेंड नहीं करे, ऐसा किस केस में होता था? आई होप आपको याद आ गया होगा। मेरे ख्याल से तो ये सब फोर्स कपल वाले केस में होता था। फोर्स कपल वाले केस में दो फोर्स लगते थे सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में, और उनके कारण जो टॉर्क आया करता था वो टॉर्क हुआ करता था वन ऑफ द फोर्स। दोनों में से किसी एक फोर्स को लिख दो और मल्टीप्लाइड बाय दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं उनके बीच जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसके बीच की डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस। एंड एज यू कैन सी दैट कि अगर ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, ये आर कॉस थीटा, यहां से तक की डिस्टेंस विल बी 2R cos थीटा। तो इन दोनों फोर्स कपल का जो टॉर्क आएगा वो आएगा दैट इज डी टाउ इज इक्वल्स टू डीएफ, डीएफ इज आई आर बी। cos थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड विथ 2R cos थीटा। लेकिन ये आपने जो टॉर्क है ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से निकाला है। सर मुझे तो ऐसे बहुत सारे पेयर मिलेंगे, सर बहुत सारे पेयर मिलेंगे और बहुत सारे पेयर मिलेंगे, सबके वजह से टॉर्क लिखो, सबके वजह से टॉर्क लिखो, क्या जोड़ दो एंड नेट टॉर्क विल बी ऑफ कोर्स आई बाहर बी बाहर टू बाहर आई बाहर बी बाहर आर स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बड़ा कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कर लेना, थीटा कहाँ से कहाँ तक वैली करेगा, जीरो से 90 मत कर देना, सिर्फ और सिर्फ। सर जीरो से 90 क्यों? अरे बेटा इन दोनों की वजह से मिलाकर टॉर्क आया, मिलाकर आया तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, तो जीरो से लेकर पाई बाय टू तक इंटीग्रेट कर, हमारा आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। बेटा अगर कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं वो भी सिखा देता हूँ। हार्ड कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला हुआ करता था, दैट इज टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस कारण से मैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन टू। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, हाफ तो बड़ा बाहर आ गया, वन डी थीटा का इंटीग्रेशन आएगा थीटा, उसका इंटीग्रेशन बड़ा मेरे ख्याल से आएगा साइन टू थीटा अपॉन दैट इज टू, तो बड़ा बाहर है, आई बाहर है, बी बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, कॉस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आएगा हाफ टाइम्स थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू। थीटा की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक वेरी करनी है, जीरो से पाई बाय टू या जीरो से 90 बेटा, जो जीरो से पाई बाय टू बेटा थीटा लिखना ना, इसलिए पाई बाय टू, टू से टू बेटा कैंसिल, दैट इज आई बी आर स्क्वायर, थीटा विल बी पाई बाय टू प्लस थीटा बेटा अंदर रखना दैट इज साइन पाई अपॉन टू। बेटा जीरो रखो तो ये भी गायब, साइन पाई कितना होता है जीरो होता है क्या, तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया पाई by 2 r square into i। आपके पास टॉर्क की जो वैल्यू है बड़ा वो आ गई पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू आई इंटू बी, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर बाय टू इंटू आई इंटू, बढ़िया आंसर है और हमने बिल्कुल ईमानदारी से किया है, बढ़िया से किया है, हमने कोई मक्कारी नहीं की, हम जितना भी फोर्स टॉर्क सब कुछ समझते थे उन सबको लगाकर हमने अच्छे से आंसर निकाला है। लेकिन जब आंसर आ गया तब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी बात को, इसी आंसर को तुम्हें एक तरीके से और समझाऊं, और हो सकता है कि मेरा कोई अच्छा बच्चा है ना वो शायद इन बातों को मेरे बताने से पहले ही शायद रिलेट कर चुका हो, सुनना इस बात को, देखना मैं दो ऐसी बातें जो आपको मैं अलग अलग टाइम पर बता चुका हूं और ये तीसरी बात मैं इन तीनों बातों को रिलेट करने वाला हूं, सुनना इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप था,
जिसमें करंट आई है, रेडियस आर है और मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ऐसे। मैंने आपको ये सिखा रखा है पहले से ही कि कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है, कौन बेटा, करंट कैरिंग लूप जो होता है उसे हम एक मैग्नेट मान सकते हैं। करंट कैरिंग लूप को मैग्नेट मान सकते हैं, याद कीजिए मैंने आपको सिखा के रखा है। और उस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, दैट विल बी करंट इनटू एरिया। और इसका जो एरिया है, एज यू कैन सी दैट इट इज पाई आर स्क्वायर। एक ही टर्न है इसलिए मैंने इसको, सॉरी बेटा, पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है, ये तो बेटा हाफ सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर बाई टू, ये तो एक ही टर्न था इसलिए बेटा ऐसा लिख दिया। ऐसा मान लो पांच टर्न होते हैं मल्टीप्लाई पांच। करंट इनटू एरिया, मैंने इसके डायरेक्शन भी सिखा रखी थी। डायरेक्शन क्या थी कि जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ ऐसे उंगलियां फेर दो, अंगूठा आएगा अंदर की तरफ, तो ये बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह, ऐसे मैग्नेट की तरह जिसका मैग्नेट डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ, मतलब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मैग्नेट। इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ए मैग्नेट। It is going to behave like a magnet. इसका साउथ पोल इधर होगा बड़ा, नॉर्थ पोल आपसे दूर होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे है। अब याद करो बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में बता चुका हूं तुम लोगों को कि अगर किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो उस पर टॉर्क आएगा और उस टॉर्क का फॉर्मूला होगा एम बी साइन थीटा। एम मतलब इस मैग्नेट का मैग्नेट डायपोल मोमेंट, और वो मैग्नेट डायपोल मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया, एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई टू इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेट डायपोल मोमेंट। इन दिस केस वी नो दैट इट इज So the torque comes out to be I pi r square by 2 into be the same torque. The same. हमने जो पूरी मेहनत से आंसर निकाला था वो भी वही आया। और उस पूरे के पूरे करंट कैरिंग लूप को अगर मैं इस तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लूं और एक मैग्नेट मान लूं तब भी एग्जैक्टली टॉर्क बेटा वही है। तीन कॉन्सेप्ट रिलेट हो गए। ये टॉर्क बिल्कुल शुरुआत में निकाला, चैप्टर स्टार्ट हो रहा था, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, करंट कैरिंग लूप को मैग्नेट मान सकते हैं, बिल्कुल चैप्टर के बीच में पढ़ा था। और ये तीसरा कि यार हमने बिना इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किए हमने किसी करंट कैरिंग वायर के छोटे छोटे एलिमेंट पर छोटा छोटा फोर्स निकाला, उन छोटे छोटे फोर्स का छोटा छोटा टॉर्क निकाला और उस टॉर्क को हमने जोड़ा, तो पता लगा कि जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले से पढ़ रखे हैं उनके अमलगेमेशन से भी वही आंसर आता है जो हमने इतने बड़े तरीके से सॉल्व करने के बाद आंसर निकाला। आई होप समझ में आई क्या होगा, थोड़ा फैसिनेटिंग भी लगा होगा। चलिए बच्चा आगे चलते, नेक्स्ट इस। अब ऐसी बातें मैं आपसे और पूछ लूं बेटा। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में बेटा, ऐसे करंट आई है, नंबर ऑफ टर्न्स एन है और हर साइड की लेंथ जो है वो एल है, ठीक है। इस पूरे के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है बेटा ऐसे, वो यूनिफॉर्म है, ठीक है बेटा। करंट कैरिंग लूप है ऐसा है, ट्रायंगुलर शेप के अंदर है। आपको बताना है कि बेटा इस लूप पर कितना फोर्स लग रहा है और कितना टॉर्क है। फाइंड force and torque on loop. Solve नहीं करना है, सब सीख गए अपन। अब हम जानते हैं कि करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है, फोर्स जीरो आएगा। फोर्स जीरो आएगा तो क्या टॉर्क जीरो होना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है।
टॉर्क कितना आएगा, उसके लिए काम करो इस पूरे के पूरे लूप को एक मैग्नेट से रिप्लेस कर दो, और उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो होगा करंट आई इनटू एरिया। एरिया ट्रायंगल का बेटा एरिया क्या अपना होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू बेस, बड़ा बेस है एल इनटू हाइट। एज यू नो दैट कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये अगर लेंथ एल है तो ये एल रूट 3 बाई 2, तो हाइट इज एल रूट 3 बाई 2। करंट इनटू एरिया, बड़ा एरिया को एन से जरूर मल्टीप्लाई करना क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स जो है वो सवाल के अंदर एक नहीं है, एन है, एक लूप का एरिया ए तो एन लूप का एन टाइम्स ए। मैग्नेट डायपोलमेंट हो गया, इस मैग्नेट डायपोलमेंट का एरिया वेक्टर किस तरफ है, तो आप बोलो सर मैग्नेट डायपोलमेंट का एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, तो मैग्नेट डायपोलमेंट भी बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, कितना एंगल है दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू आएगी, बड़ा बोलना कितनी वैल्यू आएगी, टॉर्क की वैल्यू आएगी एम बी साइन थीटा। एम कितना है करंट इंटू एल स्क्वायर, करंट इंटू एल स्क्वायर इंटू एन इंटू रूट 3 बाई 4। बड़ा मैग्नेट फील्ड कितनी है बी इंटू साइन ऑफ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेट डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ऑफ कोर्स 90 डिग्री, दिस इज द टॉर्क, साइन 90 का अंदर तो टॉर्क की वैल्यू आ गई, दैट इज रूट 3 आई एल स्क्वायर एन बी। ये तो ठीक बेटा एक सवाल करा दिया, बाकी तुम समझ गए इस बात को कि चाहे कैसी शेप साइज ज्योमेट्री क्यों ना हो आप हर बार इस तरह से टॉर्क लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो है ना, इसी बात को अपन कल आगे बढ़ाएंगे। बेटा होमवर्क में बेटा एचसीवी के सवाल कर सकते हो तुम लोग, जब भी टाइम मिले उन्हें निपटा सकते हो, क्योंकि सवाल आसान आसान से हैं और तुम्हारे फॉर्मूलों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी यार, है ना। तो बेटा उसमें एक तो होगा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उससे पहले एक चैप्टर और होगा मैग्नेटिक फोर्सेस शायद नाम होगा, ठीक है। ये दो चैप्टर तुम धीरे धीरे निपटा सकते हो, कोशिश ये करो कि दोनों ही चैप्टर के लास्ट के 2020 क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक बार तो कम से कम ट्राई कर ही लो, और शायद ही किसी सवाल में आप लोग अटकोगे क्योंकि सारे के सारे सवाल जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो मैग्नेटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एचसीवी के अंदर जितने भी सवाल हैं लास्ट के 20 क्वेश्चन छोड़ के सारे कर लो, और लास्ट के 20 कब कर रहे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा लास्ट के 20 भी निपटा देना, ठीक है। चलिए तो थोड़ा टाइम आपका यूटिलाइज हो जाएगा।